Bismillah Rahman rahim Alaikum students. Uh, we are doing our second chapter that is the biological molecules. We have discussed carbohydrates and we have started the lipids, the second biomolecule in this chapter. Uh, in the topic of lipids, we discussed the first group of lipid that is the role, and today we will discuss the next remaining groups of this organic molecule. The first one is the vexes. वैक्सेज आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स मेन इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के तौर पर एक्ट करते हैं और ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर भी और फ्रूट्स के ऊपर भी सम इंसेक्ट्स आल्सो सिक्रीट वैक्स कुछ इंसेक्ट्स भी ये वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस वैक्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर आउटसाइड द एग्जोस्केलेटन और मेन क्या फंक्शन होता है इसका वहाँ पर कि ये इंसुलेशन के तौर पर एक्ट करते हैं और वाटर के लॉस को वाटर की इवेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं केमिकली अगर हम वैक्सीज को डिफाइन करें तो दीज आर द मिक्सचर्स हैं दीज आर मिक्सचर्स किसके मिक्सचर्स हैं लॉन्ग चेन अल्केंस के साथ में अल्कोहल्स भी होती हैं इसमें कीटोन्स भी एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स इन तमाम केमिकल्स का इन तमाम मॉलिक्यूल्स का दिज आर मिक्सचर्स सो केमिकली इवेक्स आर मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चैन अल्केन एंड अल्कोहल्स कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स और जो अल्कोहल एग्जिस्ट करते अल्केन सॉरी इसमें जो एग्जिस्ट करते हैं अल्केन लॉन्ग चेन होते हैं और इन लॉन्ग चेन में जो कार्बन नंबर होता है दैट इज़ ऑड नंबर ऑफ कार्बन ठीक है ये ऑर्ड नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं और रेंज क्या होती है कार्बन की इन अल्केन्स के अंदर C25 से लेकर C35 तक सो वैक्सीज केमिकली आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केस विद ऑर्ड नंबर ऑफ कार्बन रेंजेस फ्रॉम कार्बन 25 टू कार्बन 35 एंड अल्कोहल्स कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स द फंक्शन ऑफ वैक्सीज इन प्लांट्स इज इट प्रिवेंट्स द वॉटर लॉस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है सो so, प्लांट को डेसिकेशन से बचाता है ये इंसुलेशन होता है इंसुलेटर एक्ट करता है ये ये वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देता सो so, लेयर की फॉर्म में दिस एग्जिस्ट ऑन द लीवस और ऑन द फ्रूट्स और ऑन द स्टेम और डिफरेंट ऑर्गन्स में प्लांट की और वाटर के लॉस को ये प्रिवेंट करता है सेकेंड इसका फंक्शन है कि ये एब्रेसिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को प्रोटेक्टिव लेयर सी बन जाती है ऊपर एक और एक जो रबिंग का इफेक्ट प्लांट की सरफेस पे प्रोड्यूस होना या डैमेज क्रिएट होना है उसकी वजह से ये उस डैमेज को प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स में बर्ड्स में और हायर एनिमल्स में जैसे शीप है उनमें भी ये वैक्सीस जो होती हैं दिज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑन देअर बॉडी एंड दे एक्ट एज अ वाटर बैरियर सो दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर तो बॉडी के अंदर जो होमोस्टेसिस है जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है उसको मेनटेन करने में ये वैक्सीस जो होती हैं ये हेल्प करती हैं नेक्स्ट ऑवर थर्ड ग्रुप ऑफ लिपिड्स इज़ फॉस्फोलिपिड्स अगर हम देखें तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ़ एसिड। फॉस्फोलिपिड्स वो कंपाउंड्स हैं वो लिपिड्स हैं जो कि फॉसफॉटेडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं यानी मेन कंपाउंड इसमें है फॉसफोटेडिक एसिड दिस इज फॉसफोटेडिक एसिड और इससे डिराइव किए होते हैं ये डिफरेंट कंपाउंड्स और उनको हम ब्रॉडली uh, क्या नेम दे देते हैं दिज आर द फॉस्फोलिपिड्स कम्पोजिशन अगर हम देखें फॉस्फोलिपिड्स की कम्पोजिशन में मेन इसके कॉन्सीचेंट्स क्या होते हैं नंबर वन इज ग्लिसरोल देन फॉस्फोरिक एसिड दैन फैटी एसिड्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस सच एज़ कोलिन एथनोल अमीन एंड सीरिन आर आल्सो प्रेजेंट अच्छा जी अगर हम देखें तो पहला मैंने आपको कहा है इसके कॉन्स्टिट्यून में पहला स्ट्रक्चर इज ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर आपको आता है थ्री कार्बन कंपाउंड है ये एवरी कार्बन हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे ठीक है ये पहला कॉन्स्टिट्यूंट हो गया दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिस्रोल अच्छा जी साथ इसमें अब इसके टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक है फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को हम थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी चेंज करते हैं वैसे अगर हम फार्मूला देखें तो हम फैटी एसिड का फार्मूला लिखते हैं आर सी डबल ओ एच सेम फार्मूला है लेकिन हमने इसको सिर्फ उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी अच्छा जी ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल साथ में इसका ये सेकेंड फैटी एसिड अच्छा थर्ड पे अगर हम देखें तो थर्ड कॉन्सिस्टेंट जो होता है इसका दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड एंड द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज एच थ्री पी ओ फोर ओपन स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखेंगे तो पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच एंड ठीक है ये थ्री मेन कॉन्स्टिचुएंट्स हो गए हैं इसके समटाइम कोई नाइट्रोजिनस बेस जो होती है जैसे अभी आपने पीछे नेम देखे हैं स्लाइड के ऊपर कोलिन है इथिन अमीन है वो भी प्रेजेंट हो सकती है और वो कहाँ एग्जिस्ट करती है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी यहाँ से और इसकी जगह जो है हेयर यहाँ मैं लिख देती हूँ चले नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती ठीक है इसके साथ चलें ये फोर कॉन्सिस्टेंट्स हो गए हमारे फॉस्फोलिपिड्स के अब इनमें बॉन्डिंग प्रोड्यूस होनी है बॉन्डिंग कैसे बनेगी? हाइड्रोजन अल्कोहल से और हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड्स का लाइक दिस सेम हेयर एंड सेम हेयर ठीक है थ्री वाटर मोलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होंगे यहाँ से निकलेंगे यहाँ से एमिट होंगे प्रोड्यूस होंगे एंड दिस ऑक्सीजन विल बिल्कड विद दिस कार्बन यहाँ से ये जो लिंक डवेलप हो जाएगा अब अगर हम इस लिंक को देखें तो यहाँ ये सारे वाटर मोलिक्यूल एमिट होंगे यहाँ से ठीक है यहाँ भी एंड अ बॉन्ड विल अपीयर यहाँ एक बॉन्ड ये ऐसे बन गया ये बॉन्ड इसके दरमियान और यहाँ ये बॉन्ड क्रिएट हो गया दिस इज फॉस्फर टिक एसिड जिसमें के जो कि बना है बाई द कंबिनेशन ऑफ ग्लिसरोल two fatty acids phosphoric acid and a an nitrogenous base so this compound is known as the phospholipids i mean phospholipids ki category now look at this diagram this central one is glycerol this is first fatty acid this is second molecule of fatty acid this is phosphoric acid and here is a इट्स का डेरिवेटिव फॉसफोटिडिक एसिड का डेरिवेटिव बनाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर जो है मोलिक्यूल uh, या कोई रेडिकल जो है वो ऐड होता है ये कोई नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती है या हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एक्सेट्रा इनमें से भी कुछ आइन्स जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं सो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स दिज आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया प्लांट एंड एनिमल सेल एंड आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स नो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं मोस्टली दिज आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो बैक्टीरियल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है लेकिन मेनली अगर हम देखें दिज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मैमबरेन जो बहुत कॉमन एक फॉसफो है दैट इज़ द फॉसफो कोलिन इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो यहाँ पर गिवन है यहाँ देखें हम दिस इज द सेंट्रल ग्लिसरोल मॉलिक्यूल दिस इज़ फर्स्ट फैटी एसिड सेकेंड फैटी एसिड एंड दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप नो दिस इज द नाइट्रोजिनस बेस दैट इज एडेड और ये कौन सी नाइट्रोजिनस बेस है ये कोलिन नाइट्रोजिनस बेस होती है जो कि एक हाइड्रोक्सिल एक जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो ये ऐड हुई हुई है ठीक है यहाँ हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी लिख सकते हैं सी एच टू सी एच टू एन और साथ में इसके ये थ्री सी एच थ्री मॉलिक्यूल और प्लस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड दैट इज़ द फॉसफोटिडाइल कोलिन मोस्टली इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉसफोटेडिक एसिड का स्ट्रक्चर और फॉसफोटिडाइल कोलिन जिसका कि कॉमन नेम है लेसेथिन फ्रिक्वेंटली इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए जो हैं ये पेपर में आ जाते होते हैं ठीक है सो आपने इसके स्ट्रक्चर्स की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है बार बार इसको कॉपी पर अपनी ड्रॉ करके इसको लिख के इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी अच्छा जी ये जो फॉस्फोलिपिड्स का है ये उन्होंने एक जर्नल इसकी जो हाइड्रोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी है मॉलिक्यूल की उसको शो करने के लिए ये स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर यहाँ देखें आप दिस इज़ अ फॉस्फोलिपिड और यहाँ देखें दिस इज़ ये जो सर्कल बनाया हुआ है ये फॉस्फेट ग्रुप है ठीक है और फॉस्फेट ग्रुप के इस हिस्से पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है वो यहाँ रिप्लेस हो सकती है यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज ग्लिसरोल और ग्लिसरोल के साथ ये एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है एंड दिस इज अदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड इस मोलिक्यूल का जो ये यह यहाँ तक का पोर्शन है दिस वन इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द हेड रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल और ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की सेचुरेटेड चेन होगी या अनसेचुरेट चेन होगी इसे हम कहते हैं दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल सो दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल हाइड्रोफिलिक जो होता है दिस इज वाटर लविंग और इसको हम पोलर रीजन बी कहते हैं पोलर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पोलर रीजन और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द नॉन पोलर रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल इसको याद करने के लिए क्योंकि इस एरिया में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है एंड दैट स्टार्ट विद द पी सो दिस एरिया इज द पोलर रीजन और जो टेल है इसकी दैट इज़ द नॉन पोलर रीजन अब अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद हो तो उसको हम ड्रा करते हुए मोस्टली उसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रा करते हैं ये हम कहते हैं ना लिपिड बाई लेयर सो दिस इज वन लेयर ऑफ लिपिड ऐसे लाइक दिस एंड दिस इज द लेयर ऑफ लिपिड ये ऐसे जब हम फ्लूड म्यूजिक मॉडल को ड्रा करते हैं ठीक हो गया तो अब अगर हम इस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखें सो so, तो उसमें ये जो ये एक है दिस इज अ फॉस्फोलिपिड ये इसका पोलर रीजन हो गया और जो ये इसका पार्ट है दिस इज़ द नॉन पोलर रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल सो ये इस मॉलिक्यूल की थोड़ी सी उसकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होगी एंड हाउ इट्स अरेंज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा

प्रेजेंट ठीक है तो ये एक सिंपल सा बेसिक यूनिट है अब ये यूनिट जो है वो डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट पैटर्न के साथ रिपीट होगा इसकी रिपीटेशन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं और उन कॉम्प्लेक्स के तमाम मॉलिक्यूल्स को जो हम एक हम जनरल नेम दे देते हैं वो हम कहते हैं कि द यूनिट्स so, जो है, ये हैं ये प्रेजेंट होते हैंट्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कम्पाउंड है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम में काफ़ी ज्यादा अमाउंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये प्रेजेंट होता है ठीक है जी नो हमने लिपिड्स को डिस्कस कर लिया उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया हमने उसके डिफरेंट ग्रुप्स को वन बाय वन डिस्कस कर लिया है नो इन द एंड विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द लिपिड मेन फंक्शन इसका लिपिड का क्या है दिस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम सेम अमाउंट लें लिपिड की प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की और उसको अगर हम उसकी बर्निंग होती है उसकी ब्रेक डाउन होती है बॉडी में तो लिपिड्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मैमब्रेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दिस आर द मेन कॉन्स्टिच्युएंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं उनकी जो सेल मैम्ब्रेन है या इंटरनल ऑर्गेनल्स की जो मैंब्रेन है उसकी फॉर्मेशन में लिपिड जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर एक्ट करते हैं इसके अलावा दिस प्रोवाइड इंसुलेशन ये बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं और हीट के लॉस को और वाटर के लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट की बॉडी में से भी और एनिमल की बॉडी में से भी जो लिपिड्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स होती हैं ये लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी और फिर वाटर की इवेपोरेशन को वाटर के लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को डेसिकेशन से बचाते हैं इसके अलावा आल्सो प्रोवाइड मकैनिकल सपोर्ट टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्रेसिव डैमेज ठीक हो गया बच्चों दिस इज द एंड ऑफ द लिपिड्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स का दैट आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स Allah hafiz. Stay home, stay safe, and stay blessed.